Hello students, myself Professor S.P. Sibla. Today we will take some numericals on resultant of two vectors. Now this is the first numerical. Forces of 20 Newton and 5 Newton are acting at an angle of 120 degree. So here, what is force P? Force P is 20 Newton. And what is Q? Force Q is 5 Newton. And what is the angle between the two forces? 120 degree. फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा अंडर द रूट. दैट इज व्हाट इज पी स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री होल स्क्वायर रूट. स्क्वायर ऑफ दिस इज 400 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5. द वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्री इज माइनस 1 बाई 2. दिस वैल्यूज व्हेन यू विल कवर ट्रिग्नोमेट्री तो यू विल इजीली लर्न इट. ठीक है, कॉस 120 डिग्री इट इज यूज टू मच इन फिजिक्स. कॉस 120 इज माइनस 1 बाई 2. तो 2 विद 2 कैंसिल विद 2. ठीक है, दिस कम्स आउट दिस इज 400 प्लस 25 425 माइनस 100. तो दिस कम्स आउट 325 अंडर रूट न्यूटन. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड देन डायरेक्शन. फॉर डायरेक्शन व्हाट इज टेंजेंट अल्फा? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा. क्यू इज 20 क्यू इज 5 साइन थीटा साइन 120 डिग्री अपॉन पी पी इज 20 प्लस 5 कॉस 120 डिग्री. तो दिस इज इक्वल टू 2. योर स्पेस इज लेसर, आई विल डू इट हियर. ठीक है, तो आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 120 डिग्री. साइन 120 डिग्री इज अंडर रूट 3 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 एंड कॉस 120 इज माइनस 1 बाय 2. दिस इज इक्वल टू, ठीक है, आ जाएगा 20 माइनस 5 बाई 2. 20 माइनस 5 बाई 2 करोगे तो 35 बाई 2 आ जाएगा. तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 35 नीचे और 2 ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, ये 5 से कैंसिल करके 7. तो ये आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 7. तो फ्रॉम टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 7. फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, तो आई एम राइटिंग इट हियर. ठीक है, तो दिस इज द एंगल. ये साइन 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में इसको सीख जाओ. ये आपके लिए एक्सरसाइज है. दो नेक्स्ट, टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 14 न्यूटन
are acting upon a body, what can be the maximum and minimum resultant of forces on the body? So the two forces are given. Force P is 10 Newton and force Q is 40 Newton. So what is the maximum resultant? R maximum. Okay. So from the, it is written on the top of the notes. R maximum is P plus Q. That is 10 plus 20, 14, 24 Newton. And what is R minimum? P minus Q modulus, that is 10 minus 14 modulus, minus 4 modulus. Modulus is always positive, that is 4 Newton. So the maximum force is 24 Newton and the minimum is 4 Newton. So these are the maximum and minimum forces acting on the body. Next problem, a velocity of 30 meters eastward, this is a question based on directions, so this is north, south, east, west. Add a velocity of 30 meters eastward, this is 30 meters like this, okay. Suppose this is V1, 30 meters per second, to 40 meters northward. We have to add to it a velocity of V2, 40 meters per second. Calculate the magnitude and direction of resultant with east. Magnitude nikalo, resultant ki direction nikalo with east. Now, what is the resultant? This is the resultant. ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी v. तो यहां पे p की जगह v1 दिया हुआ है, वी कैन राइट 30 मीटर्स पर सेकंड, और q की जगह आ जाएगा v2, 40 मीटर्स पर सेकंड. p q की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. बट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी v, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा. Here, what is the angle between the two velocities? Theta. Theta is 90 degree. Angle between the two velocities, V1 and V2, is 90 degree. So, this is equal to V1 square, that is 30 square plus 20 square, 40 square, 30 square plus 40 square plus 2 into 30 into 40 into cos 90 under the root. That is 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 अंडर रूट, 2500 का अंडर रूट 50 मीटर्स पर सेकेंड. अदरवाइज यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग. नाउ वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल विथ ईस्ट, दिस अल्फा. तो इस ट्रायंगल में से अल्फा निकाल लो. यू नो दिस टेंजेंट अल्फा. तो व्हाट इज टेंजेंट अल्फा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 40 अपॉन 30. दिस जीरो कैंसल्स, 4/3. तो वी विल राइट अल्फा इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3 विथ ईस्ट. ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट. अगेन एड ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड ईस्टवर्ड्स टू ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स. नॉर्थ इज इन दिस सेक्शन, परपेंडिकुलर हो गया ये, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो ईस्ट के साथ. तो मैग्नीट्यूड वही फॉर्मूला लगाएंगे हमने, पी और क्यू की जगह क्या यूज कर दिया, V1 V2, और आर की जगह वी वेलोसिटी वी ले ली. ठीक है, उसके बाद अल्फा निकालना है, टेंजेंट अल्फा विद, अल्फा इज एंगल विद ईस्ट, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/40/30, 4/3. तो अल्फा आ गया टेंजेंट इनवर्स 4/3 विद ईस्ट. क्वेश्चन 16.
at what angle the two forces P plus Q, P minus Q act, so that resultant is this much. हमें इन ये दो फोर्सेज हैं इनके बीच में ये एक्ट कर रही, कहता किस एंगल पे एक्ट करेगी ताकि उनका रिजल्टेंट ये हो. तो हम सपोज कर लेते हैं लेट लेट angle between two forces be theta. इसमें ये सारा क्या है, दो forces हैं, this whole force is P and this whole force is Q and this is R. We are given two forces, one force is P, other is Q and this is R. Now our formula is, मैं बिना square root के लिख रहा हूं, R square किसके बराबर होता है, P square प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा. दिस इज फार्मूला. बट इन दिस क्वेश्चन आर इज गिवन. व्हाट इज आर? थ्री पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर. व्हाट इज पी? पी इज पी प्लस क्यू होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज क्यू? क्यू इज पी माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस टू पी. पी इज पी प्लस क्यू एंड क्यू इज पी माइनस क्यू इन टू कॉस थीटा. यानी कि हमें जो फोर्सेस दी हुई है ये पी और क्यू होगी और ये रिजल्टेंट दी हो आर. तो हमें इसी फार्मूले में ये पी क्यू एंड आर की वैल्यूज इसमें क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी. अब ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. P प्लस क्यू स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू एंड पी माइनस क्यू स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. नाउ दिस इज थ्री पी स्क्वायर. तो ये पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर को इस तरफ लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो थ्री पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर. इसको इस तरफ ले आओगे इस तरह, क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर. ये टू पी क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा. तो फ्रॉम हियर व्हाट इज कॉस थीटा, cos theta is p square minus q square upon 2 into p square minus q square. This cancels 1 by 2. If cos theta is 1 by 2, what is theta? Theta is 60 degree. Take the next two forces whose magnitudes are in the ratio 3:5. Give a resultant of 28 newton. तो दो फोर्सेस जिनकी रेशियो मैग्नीट्यूड की रेशियो 3:5 है, गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन. तो लेट दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, पी इज टू क्यू, उनकी रेशियो दी हुई है 3:5. रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट इज 28 न्यूटन.
ठीक है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज फोर्स, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो ये देखो, लेट ये रेशियो दी हुई है, सपोज कर लो पी इज इक्वल टू 3x एंड क्यू इज इक्वल टू 5x, तो व्हाट इज आर, और आर स्क्वायर, व्हाट इज आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो, आर इज 28 स्क्वायर, व्हाट इज पी 3x स्क्वायर, व्हाट इज क्यू 5x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x, कॉस थीटा इज 60 डिग्री, तो 28 स्क्वायर इज 784, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस दिस इज 30x स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज 1/2, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 15x स्क्वायर आ जाएगा, ये दैट इज 784 इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल करके यहां पे आ जाएगा 15x स्क्वायर, दिस होल एड्स अप टू 49x स्क्वायर, तो व्हाट इज x स्क्वायर, 784 अपॉन 49, तो दिस वन कैंसिलिंग गिव्स 16, दैट इज x इज इक्वल टू 4, तो व्हाट इज p फोर्स 3x, टेल ऑफ न्यूटन, एंड व्हाट इज क्यू फोर्स 5x, आई ओमिटेड पेज नंबर 4, आई एम टेकिंग नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 10, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, इक्वल टू टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यहां पे दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, उनका रिजल्टेंट भी दोनों में से किसी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मींस दो फोर्सेस हैं, दिस इज फोर्स पी, इसका मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दोनों में से किसी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइन, किस एंगल पे वो इंक्लाइन है, सपोज कर लो इन सबका मैग्नीट्यूड जो है एक्स है, फिर वही फार्मूला यूज करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, टू इक्वल फोर्सेस, दैट एक्चुअली स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, टू फोर्सेस जाना चाहिए था, टू इक्वल फोर्सेस नहीं, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों में से किसी भी फोर्स के इक्वल है, तो तीन के तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहां पुट करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाओगे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा, तो व्हाट इज कॉस थीटा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर कैंसिल्स, माइनस 1/2, इफ कॉस थीटा इज माइनस 1/2 थीटा इज 120 डिग्री, द टू फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, then this question number 12, the greatest and least resultant of two forces acting at a point is 10 newton and 12, greatest, agar let
two forces be P and Q. So what is greatest resultant? उनका greatest resultant क्या होगा? Maximum resultant. Maximum resultant is P plus Q. This is given 16 Newton. Sorry, this is given 10 Newton. And what is the least resultant? Least means minimum. So this is P minus Q is equal to 6 Newton. यहां पे हमने suppose किया है P is greater than Q. Suppose किया है, इसलिए P minus Q आएगा. दोनों equations को solve करो. दोनों को ऐड करोगे, एडिंग क्यों कैंसिल हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू 16, p इज इक्वल टू 8. अगर p की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्यों आ जाएगा, क्यों कितना आ जाएगा, 2. ये आ गया 8 न्यूटन, ये आ गया 2 न्यूटन. नाउ इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, ठीक है, नाउ व्हाट इज न्यू फोर्सेस. सपोज न्यू फोर्सेस आर पी वन, ईच फोर्स पी वन इज पी प्लस 3, 11 न्यूटन, एंड क्यू वन इज 2 प्लस 3, 5 न्यूटन. इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस when acting at a point at an angle of 90 degree with each other. और थीटा दे दिया, कह रहा अगर दोनों फोर्सेस को 3-3 न्यूटन बढ़ा दिया जाए और दोनों 90 डिग्री पे एक्ट करें तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो व्हाट इज आर टू पी क्यू कॉस थीटा, दैट इज पी स्क्वायर 11 स्क्वायर क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू कॉस 90, दिस इज 121 प्लस 25 प्लस 110, कॉस 90 इज 0, ठीक है, दैट इज 121 प्लस 25 146 अंडर द रूट न्यूटन, दिस इज द आंसर, ठीक है. तो दिस कंप्लीट्स द लेक्चर.